हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक बैंक के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कर्नाटक बैंक का एनालिसिस करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेसिस पे वो स्टॉक को आप एनालाइज करके अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं और बढ़िया से स्टॉक मार्केट से गेन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कर्नाटक बैंक है तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप के बारे में अगर बात करेंगे, 2039 करोड़ का मार्केट कैप है। और स्टॉक का अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे 214 बुक वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे 65.6 है। और इसका जो अगर हम देखेंगे इस हिसाब से स्टॉक में आज के दिन में 2.74% का तेजी देखने को मिला था। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 196 ऑल टाइम हाई है। स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 65 पे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम जाके इसका क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, दिसंबर का क्वार्टर में अभी अगर हम देखेंगे, दिसंबर 2021 को अभी रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू में 1565 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि ये फ्लैट है। अभी अगर लास्ट 12 मंथ्स का भी इस हिसाब से हम रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू फ्लैट रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 126 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। यहाँ पे 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था जून में, लेकिन मार्च में यहाँ पे 31 करोड़ का देखने को मिला था। पिछले मार्च में भी यहाँ पे 27 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि ये कोविड का पीरियड था, तो इसीलिए यहाँ पे 27 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसी हिसाब से लास्ट 4 क्वार्टर का में हम प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे 410 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे, यहाँ पे 6060 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में अगर हम जाके यहाँ पे रिजर्व देखते हैं, रिजर्व भी बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नज़र हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर यहाँ पे मार्च 2018 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 5125 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला था। उसके बाद में मार्च 2019 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 5500 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला था। यहाँ पे 2020 को 5660 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला था। यहाँ पे मार्च 2021 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 6331 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला था। रिजर्व तो बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे FII का होल्डिंग 11% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे DII का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5% का होल्डिंग है। और पब्लिक में अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे 83% का होल्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कर्नाटक बैंक में, अगर हम ये कर्नाटक बैंक को देखेंगे, ये एक स्मॉल कैप बैंक है जो कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है साउथ में बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका। इनका जो कारोबार है साउथ में बहुत जबरदस्त कारोबार देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये स्टॉक का अगर हम चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 400-500 करोड़ का जो कि है यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से स्टॉक का बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे अभी चल रहा है, 65 के लेवल पे चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो इसी लेवल पे यहाँ पे 2019 का जो लेवल है, ठीक है, 2019 का लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये स्टॉक का प्राइस 123 था। तो इस हिसाब से उसका प्रॉफिट उस टाइम पे क्या था, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे 477 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि 477 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इसी हिसाब से ऐसा लगता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया आगे आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस दे सकता है। जिस हिसाब से लास्ट 3 क्वार्टर में 147 करोड़ का अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो बेहतरीन प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर आप इस स्टॉक में आपको अगर ये स्टॉक में अगर होल्डिंग है, मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी कर सकता है। तो इस हिसाब से स्टॉक को आप बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक में अगर आप इमीडिएटली एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आप कंसीडर भी करके चल सकते हैं, जो कि इजीली आपको एक टारगेट है, इमीडिएटली ये टारगेट आपको अचीव हो सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से कंसल्टेशन हुआ है, उसके बाद में जिस हिसाब से रिजल्ट आया है, तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे 81 टारगेट तक अगर अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो यहाँ पे 26-27% का गेन आपको जरूर अचीव हो सकता है, बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट में आप बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट है ना फ्रेंड्स, वो एक बहुत बढ़िया सा टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में देखिए, यहाँ पे जिस हिसाब से एक पैटर्न बिल्ट हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कप बनाए, मल्टीपल कप बनाए, उसके बाद में यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाए, तो उसके बाद में
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेड बन चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में इमिडिएटली आपको ये टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। ये जो टारगेट है ये टारगेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे जितना डेप्थ यहाँ पे मारा है ये स्टॉक ने, तो उस हिसाब से अगर ये स्टॉक को यहाँ पे अगर 110 तक अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं ना, ये जो टारगेट है आपका 111 रुपये इसका टारगेट है, ठीक है। 111 तक अगर अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं आपको बढ़िया सा टारगेट है आपका अचीव हो सकता है एक साल में। अगर एक साल में देखते हैं कितना परसेंटेज का आपको गेन मिलता है, क्योंकि रिजल्ट तो सुपर है, रिजल्ट का हिसाब से तो कोई हमें डाउट भी नहीं है। अगर 80 अभी हिसाब से अगर हम देखते हैं स्टॉक में 72% का गेन आपको मिल सकता है फ्रेंड, ठीक है। अगर एक साल में ये आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो 72% का गेन मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो का आप मैक्सिमम 3% तक का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है आप करके चल सकते हैं, 3-5% तक का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, आपको 72% का गेन मिल सकता है इस स्टॉक में। अगर आपको एक साल की जगह में अगर 1.5 साल भी लग जाए, मेरे हिसाब से 72% गेन बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा गेन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी स्टॉक आप बाय करेंगे ना थोड़ा सा खुद का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आज के दिन का अगर स्टॉक में हम कारोबार देखेंगे कितना परसेंटेज का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, यहाँ पे 16 लाख क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, तो यहाँ पे 6 लाख क्वांटिटी आप डिलीवरी उठाया गया, जो कि 38% का डिलीवरी इस स्टॉक में आज के दिन में देखने को मिला है, ठीक। तो अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से जरूरी स्टॉक को कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो इसको मेरे हिसाब से होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इसका बुक वैल्यू देख लीजिए, इसका अगर बुक वैल्यू की बात करें यहाँ पे 214 बुक वैल्यू है, ठीक है। और प्रॉफिट बुक ग्रोथ भी बढ़िया से है, प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है अपना पोर्टफोलियो में, इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इमिडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है तो उसके बारे में जानकारी के लिए आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारा वीडियो वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से जाके जरूर कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करके ये नंबर पे मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।